और एक ये बैठ गया नीचे, ये देखे बैठा है। मुझे लगा था चांदनी है, ये तो हनी है। हनबन हनबन इसने खाया भी है, वो पड़ा है उधर। और अभी हम करने लगे हैं काम, उसके बाद व्लॉग बनाएंगे। मेरा काम हो गया खत्म, मतलब मैं काम से फारिग हो गई हूँ। मामा का थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा इन दोनों का रह गया। अच्छा अभी है ना, अभी बबल और इस बंदे का मुंह देख के इतनी हंसी आ रही है, इतना जोर लगाया उसने तो उसके माथे पे भी बल पड़ गया और गर्दन पे भी। बेचारा मशहूरी के लिए क्या क्या करना पड़ता। अच्छा यार, हम काम से फारिग हुए हैं। मैं जब व्लॉग बना रही थी ना, मतलब मैंने आप लोगों को वो दिखाया था जो मैं खा रही थी बबल, उसके बाद अपना काम दिखाया था कि हम काम करके फारिग हो गए हैं। लाओ मैं दिखा दूँ, ये देखें आजकल हम एडिक्टेड हो गए हैं इसके जूस के, पकड़ो इसको। तो ना उसके बाद फिर मैंने देखा है कि मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं है, तो फिर एक ही काम हो सकता था, या तो हम व्लॉग बना लेते या फिर मोबाइल की चार्जिंग, मतलब मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देते। तो फिर हमने लगाया मोबाइल चार्जिंग पर और उसके बाद हमने खाना पीना खाया पिया और मोबाइल की चार्जिंग हुई थी 10 बजे तकरीबन, है ना। और अभी टाइम हो रहा है, ये नहीं मुझे पता, मैंने एक बात करनी है। एक मुझे बड़ा प्यारा टॉपिक मिला, मुझे सडनली याद आया। चलो क्या टॉपिक मिला है तुम्हें? अच्छा मुझे ना एक बात याद आई है, सैम ने ना रमजान में, रमजान ही था ना वो, हाँ आई थिंक रमजान ही था। बस तुम्हें कैसे पता हुआ कि मैं क्या कहने वाली हूँ? यकीनन। अच्छा तो रमजान था तो सैम ने कहा था मैं ना इस रकम मेहंदी सिखाऊंगी, चपट्टा मारना ना तुम्हारे बुत्ते पे। और पहले हमने ये बात की थी, कंटेंट भी हमने ही डाला था, सैम बनी इफ्रा की मेहंदी टीचर, हिना टीचर, हिना टीचर। तो मेहंदी टीचर क्या होता है, पागल हो तुम? अच्छा चलो आगे बात बताओ, बकवास ना करो। अच्छा तो इसने कहा था कि मैं ना चैलेंज करती हूँ कि मैं ना इफ्रा को ईद पे ना, मतलब ईद पे ना इफ्रा इतनी एक्सपर्ट तो हो जाएगी कि थोड़ी बहुत ना गोल गोल टिक्की लगा सके। मैंने तुम्हारे मुंह पे ऐसा लपड़ मारना इस्माइल कहीं के और ना मैंने इसको कहा था तुम चैलेंज हारने के लिए ना रेडी रहना, और वही बात। लेकिन मैंने इनको कहा था कि मैं चैलेंज तब करूंगी जब इफ्रा मुझे 2 घंटे एटलीस्ट टाइम दे इन अ डे। और जी हाँ ये हुई थी कि तुम चैलेंज हार जाओगी, तुमने कहा था नहीं मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। लेकिन मैंने इस बेस पर कहा था कि अगर इफ्रा मुझे दिन के 2 घंटे देती है तो मैं उसको इतना एक्सपर्ट कर दूंगी कि एटलीस्ट उसे टिक्की लगानी आ जाए। हनी आप तुम्हें पता नहीं है सही बात का, नहीं तो तुम व्लॉग देख लो जाकर, उसमें बिल्कुल एक एक लफ्ज दबा दिया। क्यों देखो जाकर, क्यों देखना? मैं तो एक बात कर रही हूँ कि इसने चैलेंज किया था और मैंने चैलेंज हार चुकी, मैंने थप्पड़ मारना तुम्हारा, चैलेंज हार चुकी है, बड़ा मजा आया बड़ा। जी नहीं, मैंने ये भी बोला था कि अगर इफ्रा दिन में 2 घंटे मुझे देती है तो मैं इस बेस पे चैलेंज रखती हूँ, अदरवाइज नो। बदतमीज, झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं बोल रही मैं बस एक बात कर रही हूँ, जनरली एक बात कर रही हूँ कि तुम चैलेंज तो हार गई हो ना। हारती तो मैं तब ना, तब इफ्रा मुझे दिन के 2 घंटे देती है। था इफ्रा टाइम नहीं देगी, इफ्रा वो लड़की नहीं है जो ऐसी चीजों को टाइम दे। लेकिन मैंने कहा था कि चैलेंज तो तभी होगा जब इफ्रा मुझे टाइम भी दे और मैं उसे सिखाना सकूं, तब मैंने चैलेंज हारना था। अच्छा, तो आप लोग बताएं कि मैं सही हूँ कि इस बात सही है, बात सही, यहाँ सही गलत की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि इसने कहा था कि मैं इफ्रा को इतना एक्सपर्ट कर दूंगी। यार मेरी बात क्यों नहीं सुन रही तुम? मैंने तुम्हें कहा था कि अगर वो मुझे दिन में 2 घंटे देगी तो। हाँ तो ये बात तो ठीक है कि तुमने कहा था 2 घंटे देगी, लेकिन मैंने तुमसे ये कहा था कि वो इतना टाइम नहीं दे, वो 1 घंटा भी दे सकती है। लेकिन तुमने मेरी बात भी सुनी थी? नो जी, मुझे नहीं पता इस बात का, सीरियस पता इस बात का, लेकिन मुझे तो पता है ना, मैंने तुमसे कहा था, मैंने कहा इफ्रा नहीं, इफ्रा की जगह अच्छा तुम्हारा मुंह में काला घुसेड़ देना, इफ्रा की जगह कोई और होता तो शायद, क्योंकि मुझे, मैं जानती हूँ इफ्रा को, यार इफ्रा टाइम नहीं देती ऐसी चीजों को। इस्माइल तुमने मेरी बिस्ती करवाई है और इंटरनेट, मजा आया और सोशल बेइज्जती हो गई है। अच्छा मुझे जूस तो ला के दो। बदतमीज इस्माइल कहीं का। चलो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं, आज फिर से चैलेंज। आईफोन नहीं भाई, नहीं मैं अभी इतनी रिच नहीं हूँ। मैं तुम्हें मोबाइल गिफ्ट करूंगी, सिंपल मोबाइल मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगी, जाओ ठीक है? ठीक है, मेहंदी सीख के दिखाओ, ज्यादा एक्सपर्ट, बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो। मुझे बोलो ना, तुम्हारे इशारे नहीं नजर आने। ठीक हो गया,
बड़ी ईद पे तुम्हें आनी चाहिए मेहंदी, जिस तरह यानी सफाई बड़ी ईद पे। अब मैं सैम, यानी पहले तो सैम को मैंने चैलेंज किया था ना, मतलब कि तुम इसको सिखा के दिखाओ, क्योंकि मैं जानती थी कि ये नहीं सीखेगी। अब मैं इस तरह को चैलेंज कर रही हूँ कि तुम मेहंदी सीख कर दिखाओ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी। चलो जी, ओके डन हो गया। और अगर अब भी नाना सीखी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मोबाइल लेकर दूंगी भाई। और अगर अब भी नाना सीखी इफ्रा ने, तो फिर तो हमारी बहस तो खत्म होनी थी, लेकिन मोबाइल की स्टोरेज जरूर खत्म हो गई थी। तो अभी मैं पिछला व्लॉग डिलीट करके अब फिर से ये वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि हमारी स्टोरेज आती रहती है बार बार। वैसे हमने काफी ज्यादा लेंथी बना लिया व्लॉग मेरे ख्याल, हमारी बहस इतनी लंबी हो गई थी। हाँ, तुम इतनी बहस करती क्यों हो? तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल के व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, गुड लक, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।